हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो चलिए आपको वेलकम करता हूं। मेरे चैनल का नाम क्या है? फिजिक्स वेव, राइट। टुडे हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड चैप्टर ऑफ नीट, या फिर आप बोल सकते हो फिजिक्स का सेकेंड ईयर का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मैंने इसको थर्ड क्यों कहा, हालांकि सीबीएसई में इन सेकेंड चैप्टर यू विल फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सीबीएसई ने क्या किया है ना, दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ डाल के एक ही चैप्टर में कर दिया है। पर अगर आप कैपेसिटेंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए मैंने कहा चलिए आपको मैं पढ़ाता हूं आज कैपेसिटेंस। इससे पहले बच्चों एक बात था, मैंने देखा मेरे वीडियोस पे बहुत सारे व्यू आते हैं, आई अप्रिशिएट दिस, थैंक यू। पर बच्चों क्या है ना, बहुत सारे व्यू आ रहे हैं पर एक चीज की कमी है, और वो है सब्सक्राइब। वहां पे एक ऑप्शन आता है सब्सक्राइब वाला, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप जानते हैं ये फ्री है, बस एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको मेरे वीडियो रेगुलर आते रहेंगे, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका नाम है फिजिक्स वेव। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कैपेसिटेंस शुरू करते हैं, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैपेसिटेंस। तो पहला सवाल सबके मन में आता है, व्हाट इज कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटर, ये टर्म कहां से आया? अचानक से आप अगर मान लो सीबीएसई के बच्चे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आएगा, अब तक तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, अब तक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, यू हैड वेरी मच आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। पहले आप इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ोगे, फिर देन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, देन आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इतने सारे इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड, फ्लक्स, देन आप पढ़ेंगे पोटेंशियल, राइट। ये सब तो सही चल रहा था सर, पर कहां से अचानक से आपने ये वाला कॉन्सेप्ट लिया कैपेसिटेंस, कहां से अचानक से, कहां से ये सीबीएसई ने कैसे चैप्टर टू में ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया है, हम देखेंगे। ओके, इससे पहले हालांकि ये वाला टर्म आपके लिए नया है, सडनली आया है, पर आप इसको देख के एक इसके आसपास वाला सम वर्ड देचेट सम टर्म व्हिच इज रिलेटेड टू कैपेसिटेंस आपके दिमाग में आ रहा होगा। कैपेसिटेंस मतलब कैसा होगा, क्या ये रेजिस्टेंस जैसा होगा? रेजिस्टेंस, हाँ, ये वर्ड आपने सुन रखा है, 10th क्लास में सुन रखा है, कहीं ना कहीं तो सुन रखा है, आप अभी 12th में आए हो, आई एग्री, पर ये वर्ड आपने सुन रखा है क्या, रेजिस्टेंस? हाँ, व्हाट इज रेजिस्टेंस? सर पहले सवाल में आएगा, मैं आपको डीप में नहीं ले जाता, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन साइड द डीप ऑफ रेजिस्टेंस, नहीं, ये बाद में आएगा, बाद में देखेंगे। पर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है पहले वही देखते हैं, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का मतलब हल्का सा किसी को पूछोगे, बेटा व्हाट इज रेजिस्टेंस, वो बोल सकता है बहुत कुछ, इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। पर मान लो ये डिवाइस है, पहले इसका देखते हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या है, दिस इज ए डिवाइस, ये एक डिवाइस है जो आप इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाते हो, किस लिए? करंट को अपोज करने के लिए, सही बात है, सही बात है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस अगर डिवाइस है तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, एक डिवाइस होगा ना। इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या फोर्स एक डिवाइस है? नहीं है सर, फोर्स तो है पर दिखता नहीं है। फील्ड डिवाइस है? नहीं है सर, फील्ड तो है, फ्लक्स तो है, पोटेंशियल तो है पर दिखते नहीं है। ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटी, यू ऑल एग्री कि ये सारे हमारे फिजिकल क्वांटिटी है, इन क्वांटिटी, क्वांटिटी का स्पेलिंग गलत हो रहा था, क्वांटिटी, इनके डायमेंशन भी है, इनके यूनिट्स भी है, पर ये एग्जिस्ट नहीं करते, आप इसको देख नहीं सकते, पर आप रेजिस्टेंस को देख सकते हैं, हालांकि कैपेसिटेंस भी ऐसा ही डिवाइस है जिसको आप देख सकते हैं, राइट। समथिंग दिमाग में आ गया कि हाँ कैपेसिटेंस मतलब समथिंग लाइक रेजिस्टेंस ऐसा होगा, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में आते हैं कि कैपेसिटेंस मतलब क्या होता है, कैपेसिटर का टर्म कहां से आया, राइट। अब थोड़ा डिटेल में आते हैं, राइट, पहले देखते हैं व्हाट इज कैपेसिटर, राइट, पहले देखते हैं व्हाट इज कैपेसिटर, डिफाइन नहीं कराऊंगा, नथिंग, डेफिनेशन भी नहीं दूंगा अभी, फिलहाल मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने आया हूं, राइट, नो डेफिनेशन, नथिंग, राइट। कैपेसिटर क्या लगता है आपको, कैपेसिटर नाम तो पक्का सुना है, हाँ घर में भी कहीं ना कहीं सुना होगा, राइट। पर उससे पहले एक बात पूछता हूं बच्चों, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, कोई भी चीज आप अगर शुरू करना चाहते हैं ना, जब आप उसको स्टार्ट करेंगे ना, तो स्टार्टिंग में ना आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत लगेगा,
पर वंस वो चीज आपने शुरू कर दी उसके बाद वो स्मूथली आराम से उसके बाद चलता रहेगा। सर आप किसकी बात कर रहे हैं, डिवाइस की या जिंदगी की? मैं दोनों की बात कर रहा हूं। पहले जिंदगी से उठा के लेके आता हूं। मान लो आपको योगा करने के लिए कहा जाए, डॉक्टर ने कहा योगा कर लो, आपको योगा करना है पर आपने कभी योगा नहीं किया है। अगर आप योगा करने जाओगे ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ डॉक्टर या पेरेंट्स, तो शुरू शुरू में आपको योगा से डर लगेगा, आप योगा नहीं करोगे, नहीं करना चाहते ना, थोड़ा टाइम लगेगा, आप थोड़ा मेहनत करोगे योगा में, उसके बाद आप हर दिन योगा कर लोगे। चलिए योगा से निकालते हैं, चलिए उसके बाद ये बोल देते हैं सर मोबाइल का। मान लो आई एम वेरी मच न्यू टू 21st सेंचुरी और आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। अच्छा मुझे कुछ नहीं आता मोबाइल का, तो स्टार्टिंग में जब मैं मोबाइल सीखूंगा आई वेन आई स्टार्ट टू यूज मोबाइल मुझे बहुत दिक्कतें होंगी राइट, पर वंस मैंने शुरू कर दिया स्टार्ट कर दिया अब मोबाइल हमेशा मोबाइल चलेगा, यूट्यूब व्हाट्सएप इंस्टा चलेंगे ना, इजी बात है ना, वही बात है मेरी। ये मैं जिंदगी से उठा के लेके आया, पर जो मैं बात ना आपको आई वांट टू एक्सप्लेन यू वो समझिए। कोई भी चीज शुरू शुरू में थोड़ा सा दिक्कत लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा मेहनत लगता है, पर वंस वो चीज स्टार्ट हो गया मतलब वो चीज अब स्मूथली चलेगा। और एग्जाम्पल मान लो आपको स्कूल में किसी से दोस्ती करनी हो, ओके आप उसे दोस्ती करना चाहते हैं तो आप दोस्ती की शुरुआत करोगे, तो जैसे आप दोस्ती शुरू करेंगे तो शुरू शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, चॉकलेट देने पड़ेंगे, गिफ्ट देने पड़ेंगे राइट, पर वंस आप दोस्त बन गए दैट मीन्स योर रिलेशनशिप विल वर्क वेरी स्मूथली। सर कहां से कहां लेके जाए, तो अब डिवाइस पे आते हैं, अब पढ़ाई पे आते हैं। मान लीजिए कोई भी चीज एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए फैन ले लीजिए, आप किसी डिवाइस का एग्जाम्पल ले लीजिए, फैन ले लीजिए, मोटर ले लीजिए, मोटर मतलब कौन सा, मोटर पंप वाला मोटर ले लीजिए, कूलर का एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले लीजिए। एक बात नोटिस कीजिएगा, जब वो चीज शुरू होता है ना, जब वो चीज शुरू होता है तो स्टार्टिंग में बहुत मेहनत होता है, मतलब बहुत आवाज करता है, गौर फरमाएगा स्टार्टिंग ऑफ दिस डिवाइस राइट, उन्हें बहुत, इसका मतलब है आई वांट टू शेयर यू विद यू, आई वांट टू एक्सप्लेन यू दैट कोई भी डिवाइस जब स्टार्ट करते हो ना तो ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको स्टार्ट करने के लिए राइट। क्या मैंने कहा, चाहे आप फैन ले लो, मोटर पंप ले लो, कूलर ले लो या कोई भी बड़ी डिवाइस ले लो, जब शुरू करते हो ना उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। बात करते हैं कौन से एनर्जी, दे विल नीड मोर अमाउंट ऑफ दैट एनर्जी। थोड़ा सा गेस कीजिएगा, मैं लिख दिया हूं कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाओ राइट। पर वंस वो स्टार्ट हो गया दैट मीन्स वो कम एनर्जी में भी चलता है, मतलब बहुत स्मूथली चलता है। मेरा मतलब है इन सच अप्लायंस या इन सच डिवाइसेस, इन सच अप्लायंस और इन सच डिवाइसेस टू स्टार्ट इट वी नीडेड वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट, टू स्टार्ट देम वी नीड वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट, ध्यान दीजिएगा हाई अमाउंट ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस डिवाइस राइट। सो सवाल वही है कि सर जब ये स्टार्ट होंगे इनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, पर एक बार रन हो गए, एक बार स्टार्ट हो गए, चलना शुरू कर दिया तो इतना ज्यादा करंट भी नहीं चाहिए कि इतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी नहीं चाहिए राइट। इसी पॉइंट को हम नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, इसको मैं एक्सप्लेन करा दिया, आपको नोट कराना है ना, तो मैं जो मैं एक्सप्लेन कराया हूं उसको मैं लिखता हूं ठीक है। व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू आई एम गोइंग टू मेक ए पॉइंट ऑफ इट राइट। सम इलेक्ट्रिक डिवाइस या बेसिकली ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बट दे आर रनिंग इन इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिवाइस। सम इलेक्ट्रिक डिवाइस रिक्वायर वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट, रिक्वायर्स वेरी हाई करंट। सर फ्रॉम लास्ट 10 मिनट्स यू आर सेइंग दे रिक्वायर वेरी हाई करंट, हाई करंट, हाई मतलब सर कितना करंट, 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, 300 एम्पियर, हाउ मच, ओनली 30 एम्पियर टू 50 एम्पियर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डोंट यू थिंक दिस इज अ हाई अमाउंट ऑफ करंट,
सोच लो भले ही तुम्हें ये 30 से 50 लगा, सर 30 एम्पियर 50 एम्पियर ये तो बहुत बहुत इजी है, बहुत काम है, नो राइट। सो मेनी डिवाइस रिक्वायर वेरी हाई करंट, दैट इज स्पेसिफिकली कितना 30-50 एम्पियर टू स्टार्ट देम, उनको स्टार्ट करने के लिए टू स्टार्ट देम। व्हाई? अब आया बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हियर आई एम नॉट स्पेसिफाइंग व्हिच अमाउंट ऑफ एनर्जी। High amount of energy, it is basically electric energy. It is required to overcome static friction. अब सवाल यही है कि सर आप static friction कहां से लेके आ गए? मैंने अभी कहा था हम बात कर रहे थे किसकी, 100 मिलियन डिवाइस, मतलब उसमें हम बात कर रहे थे किसका, फैन मोटर कूलर पंप, हम इन डिवाइसेस की बात कर रहे हैं जिन्हें स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा करंट चाहिए, कितना 30-50 एम्पीयर, पर इनको इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों चाहिए टू स्टार्ट देम, बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां पे बात आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन की, काइनेमेटिक्स की थोड़ी बात कर लेते हैं यहां पे। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब देखिए आप जब स्विच को ऑन करते हैं आपका फैन आपका मोटर पंप आपका कूलर स्टार्ट होता है राइट, दे स्टार्ट टू मूव, पर बिफोर स्विचिंग ऑन योर डिवाइस योर फैन योर मोटर योर कूलर और पंप इज इन व्हिच पोजीशन। हाँ सही पकड़े, व्हिच पोजीशन, दे आर इन रेस्ट पोजीशन। हाँ जब आप स्विच ऑन नहीं किए थे तो आपका फैन आपका कूलर आपका मोटर कहां घूम रहा था, नहीं घूम रहा था सर, अगर वो नहीं घूम रहा था तो वो किस पोजीशन पे था, वो रेस्ट पे था, अगर वो रेस्ट पे था उसके अंदर कौन सी फ्रिक्शन होगी, ऑप्शन 3 है, बचपन में पढ़ा गया था, स्टैटिक स्लाइडिंग रोलिंग। अगर आपको पूछूं चूज द कर्ड ऑप्शन, आप किसको चूज करेंगे, आप फटाक से बोलो सर स्टैटिक, बिकॉज इट इज द फ्रिक्शन व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन। अगर मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं आपके सामने सीधा, मैं रेस्ट पे हूं, अगर मैं रेस्ट पे हूं कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन राइट। और इन तीनों में से सर किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होती है, तो हमने पढ़ रखा था स्टैटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हालांकि इतना डिटेल में नहीं जाता हूं, हालांकि बहुत इजी से 2 मिनट में निकालता हूं कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग और रोलिंग, मतलब कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग एंड रोलिंग। मतलब जब आप रेस्ट पे हो, ध्यान देना, जब आप रेस्ट पे हो राइट, आप मूव नहीं कर रहे हो, आपके अंदर फ्रिक्शन है राइट, फ्रिक्शन इज ए फोर्स राइट व्हिच अपोज, मतलब अगर मैं खड़ा हूं सीधे तो मेरा जो फोर्स है कौन सा फोर्स, वेट किस तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ, वेरी गुड। और अगर मैं फोर्स अपना वेट नीचे डाल रहा हूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन किस तरफ गिरेगा, ऊपर की तरफ, कितना, इक्वल टू माय वेट, एंड दैट इज द लार्जेस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन मी और अपॉन मी व्हेन आई एम रेस्ट। समझ में आया, दैट्स व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होती है स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन से। इसी कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए बस इसी कॉन्सेप्ट के लिए ही हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको घुमाने के लिए। वंस वो घूम गया मतलब फैन घूम गया कूलर घूम गया मतलब मूव किया, अब उसमें कौन सा फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है, और रोलिंग फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड इतनी ज्यादा नहीं होती। अब उससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैं, देखो मान लो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे टेबल रखा गया है, वेरी गुड, रखी हुई टेबल को खिसकाने में ज्यादा फोर्स चाहिए, या एक बार उसको खिसका दिए मूव करा दिए हिला दिए अब उसको घुमाने में चलाने में ज्यादा फोर्स चाहिए। सोच के बोल लिया, अगर आपके पास एक टेबल है रखी हुई टेबल रेस्ट में टेबल हुई, उसको अगर मैं इफ आई वांट टू मूव आई वांट टू जस्ट थोड़ा सा फोर्स दो इसको खिसका दो, खिसकाने में आपको ज्यादा फोर्स चाहिए, एक बार वो खिसक गया मतलब एक बार मूवमेंट में आ गया
अब आपको उतना फोर्स नहीं चाहिए, राइट। वही बात है कि जब वो टेबल रेस्ट पे था उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन था, गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, अब सवाल यह है कि सर हमारे जो फैन थे, मोटर थे, कूलर थे, वो भी तो रेस्ट पे थे। अगर वो रेस्ट में है, उनके अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू रिक्वायर्ड टू ओवरकम द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब सवाल यह है इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर करंट कौन देगा? सर घर पे तो आता है, घर पे आता है सर, घर पे हमारे आता है करंट, वो तो देगा ही। पर डू यू नो घर पे कितना आता है? जो मैक्सिमम है हमारे घर पे जो आता है मैक्सिमम, वो होता है हमारा 30 एम्पियर, गेटिंग माई पॉइंट। जो घर पे आता है जो करंट, दैट इज मैक्सिमम ऑफ 30 एम्पियर। और सर कोई फैन हुआ, मोटर हुआ, मोटर तुम्हारा मान लो फैन को लेते हैं, फैन नॉर्मली वर्क्स ऑन 5 एम्पियर। यस सर, फैन नॉर्मली वर्क्स ऑन 5 एम्पियर। ओके, घर पे कितना आ रहा है? 30 एम्पियर। अच्छा तो चलेगा, आराम से चलेगा। पर जब फैन स्टार्ट होता है ना, उसको चाहिए होता है 35 एम्पियर इनिशियली, ड्यूरिंग स्टार्टिंग इनिशियली। एंड टेल मी, इज योर करेंट कमिंग टू योर हाउस सफिशियंट एनफ टू स्टार्ट ए फैन इनिशियली? इनिशियली बस एक सेकेंड के लिए उसको चाहिए 35 एम्पियर। वहां से चलना शुरू किया मतलब वो 5 एम्पियर में भी चलना शुरू करेगा, राइट। फैन रन्स एट 35 एम्पियर एंड फैन स्टार्ट्स एट, फैन रन्स एट 5 एम्पियर एंड फैन स्टार्ट एट 35 एम्पियर। तो सवाल यह है कि सर जब उसको स्टार्ट करना होता है हमें 35 एम्पियर चाहिए, पर घर पे कितना आ रहा है? घर पे आ रहा है 30 एम्पियर, लिख दिया मैंने। तो क्या आपका फैन नहीं चलेगा? हर बार आप स्विच ऑन करते हो आपका फैन चलता है, पर घर में तो उसे चलने के लिए 5 एम्पियर चाहिए। तो घर पे आ रहा है 30 एम्पियर, इट इज सफिशियंट टू गिव 5 एम्पियर, पर स्टार्ट के लिए 35 एम्पियर। इनिशियली स्टार्ट के लिए आपको चाहिए 35 एम्पियर। क्यों? बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब हाई अमाउंट ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कहां से आएगा भाई इतना बड़ा करंट? कौन देगा? घर पे तो 30 एम्पियर है, उसको चाहिए 35 एम्पियर, देगा कौन? नाउ ही विल गिव, हु विल गिव? कैपेसिटर विल गिव। मतलब सर कैपेसिटर होता है ना फैन में? हाँ सर, हमने तो पहले से बोल रखा था कैपेसिटर होता है फैन में, राइट। कैपेसिटर क्या करता है ना, जब फैन घूम रहा होता है कैपेसिटर अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहा होता है। ध्यान से सुनना, लिखाऊंगा अभी। कैपेसिटर क्या होता है ना, वो एक डिवाइस है। मैंने कहा था ना ये एक डिवाइस है, जब आपका फैन घूम रहा होता है वो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है, मतलब अपने अंदर एनर्जी भर कर रखा था। जब फैन को स्टार्ट करना था तो उसको हाउस से मिलेंगे 5 एम्पियर। हाँ, घर में पता है, घर मतलब आता है करंट, उसको पता है मुझे फैन को 5 एम्पियर देना है, उससे ज्यादा उससे कम दूंगा ही नहीं, वो तो देता है 5 एम्पियर। बट 5 एम्पियर इज नॉट एनफ टू स्टार्ट ए फैन। तब हमारा कैपेसिटर काम में आता है, राइट। कैपेसिटर जो अपने अंदर एनर्जी भर के रखा था एक ही साथ बाकी के रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना 30 एम्पियर और एक ही साथ 30 एम्पियर दे देता है किसको? फैन को। ले भाई वहां से 5, मेरे से 30, 35, अब स्टार्ट हो जा, राइट। अब फैन स्टार्ट हो गया, अब फैन घूमना शुरू किया, जैसे घूमना शुरू किया 5 एम्पियर आराम से चलेगा। पर स्टार्टिंग में कितना चाहिए था? 35 एम्पियर। घर से कितना आया? 5 एम्पियर। घर से कितना आया? 5 एम्पियर। बाकी 30 एम्पियर किसने दिया? कैपेसिटर। किसने दिया? कैपेसिटर। ये एक डिवाइस है जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है और जब चाहिए एक ही साथ सप्लाई कर देता है, राइट। तो कैपेसिटर वजह से लिखते हैं, ओके। आई एम इरेजिंग ऑल दिस फॉर यू एंड राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आई थिंक आप लोग को कैपेसिटर अभी बहुत अच्छे से मालूम पड़ गया, इंटरेस्टिंग चीज, राइट। क्या लिखूंगा? इट इज अ डिवाइस, इट इज ए डिवाइस। जितना आप अपना डेफिनेशन रख सकते हैं सिंपल उतना रखिए। इट इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो अपने अंदर क्या स्टोर करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, पहला बात है, राइट। नहीं तो कैसे देगा? उसे भी तो, उसने भी तो फैन को दिया ना या कूलर को दिया ना, कैसे दिया? क्योंकि वो पहले से स्टोर कर रखा था।
मतलब आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए विच स्टोर ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस सडनली, और जब आपको चाहिए सडनली आप जब मांगेंगे वो आपको दे देगा। तो पहला सवाल है क्या कैपेसिटर एक कंडक्टर है? हाँ, कैपेसिटर एक कंडक्टर भी है। क्यों? क्योंकि आपके पास दुनिया में डिवाइस तीन तरह के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। हम सेमीकंडक्टर बात नहीं करने वाले क्योंकि वो बहुत पीछे आएगा। अब मान लीजिए दो है, कंडक्टर इंसुलेटर, तो आप मुझे बताइए आप कैपेसिटर को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल लेंगे, कंडक्टर या इंसुलेटर? सोच के बोलिएगा। सर बेसिकली आप क्या लेने वाले हो? आप कंडक्टर लेने वाले हो। तो बेसिकली कैपेसिटर मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, इसे कंडक्टर, क्योंकि एक कंडक्टर ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर सकता है और आपको जब चाहिए आपको दे सकता है, राइट? तो व्हाट इज द फंक्शन कैपेसिटर? सर कैपेसिटर का फंक्शन क्या है? कैपेसिटर बहुत फंक्शन होता है। याद कीजिए बचपन में, मेरा बचपन में जब हमारे घर पे कूलर अच्छे से घूमता नहीं था, मेरे पापा को बोलता था, पापा चेंज द कूलर, चेंज द कूलर। पर पापा कूलर चेंज नहीं करते, वो उसके अंदर का कैपेसिटर को चेंज करते थे, इसका नाम है कंडेंसर। कूलर के अंदर भी एक कैपेसिटर है विच स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसे हम क्या बोलते हैं? कंडेंसर, राइट? मतलब इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कैपेसिटर का डेफिनेशन कोई कोई बुक में ऐसा होता है, कैपेसिटर इज डिफाइन एज ए कंडक्टर, कैपेसिटर इज डिफाइंड एज ए कंडक्टर, इज डिफाइन एज ए कंडक्टर। हाँ सर, ये कंडक्टर है विच स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, विच स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, विच स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। सर आपने कहा ये क्या रखता है? एनर्जी रखता है। अब आपने डेफिनेशन बदल दिया, आपने क्या बोल दिया कि ये इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करता है। बात तो सही है ना, इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करेगा तभी तो उसके अंदर एनर्जी आएगी, सही बात है, राइट? अब सवाल ये उठता है कि सर कैपेसिटर मालूम पड़ गया, डेफिनेशन बन गया, अब सवाल ये है व्हाट इज कैपेसिटेंस। हाँ, सवाल आपके पास अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि व्हाट इज कैपेसिटेंस। ओके, कैपेसिटेंस थोड़ा सा गेस कीजिएगा, व्हाट इज कैपेसिटेंस? हालांकि आप लोगों ने कैपेसिटर थोड़ा बहुत समझ भी गए हो, व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटर की प्रॉपर्टी, जितना इजी कर सकते हो उतना इजी करना। व्हाट इज कैपेसिटेंस? सीधा लिख दो, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कैपेसिटर। अगर आप मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा आप ऐसे लिखोगे तो आपको फुल मार्क मिलने वाले हैं। कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटर की प्रॉपर्टी, एबिलिटी, राइट? मतलब एबिलिटी मतलब सर कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। तो कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस से उसके पास कितनी एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की, दैट इज योर कैपेसिटेंस। क्या लिखते हैं सर? एक्चुअल डेफिनेशन इज एंड डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज एबिलिटी। एबिलिटी, आप एबिलिटी आपको पसंद नहीं आया? हाँ, क्योंकि आप कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं, आपको एबिलिटी का पसंद नहीं आया। और कैपेसिटी आप बोल दो वही वर्ड, यूज द टर्म व्हिच इज अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन। पूछा होगा कैपेसिटेंस क्या है, आप सीधा लिख देना, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इट साउंड्स बेटर। मतलब सर व्हाट इज कैपेसिटेंस? मतलब उस कंडक्टर के अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी काबिलियत है, कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना चार्ज हो सकता है, उसे कहते हैं कैपेसिटेंस। सिंपल, व्हाट इज कैपेसिटेंस? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कैपेसिटर और द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। बात तो एक ही है सर, उस कंडक्टर के पास कितनी एबिलिटी है कि वो चार्ज हो सकता है। अगर वो ज्यादा स्टोर कर पाए ज्यादा कैपेसिटेंस, अगर वो कम स्टोर कर पाए तो कम कैपेसिटेंस। तो लॉजिकली कैपेसिटेंस मतलब सर एनर्जी स्टोर कितना कर रहा है डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। अगर मैं आपसे बात पूछूं, कैपेसिटेंस तो पढ़ लिए, मतलब एक कंडक्टर के पास कितनी पोटेंशियल है, कितनी कैपेसिटी है, कितना चार्ज स्टोर कर पाएगा। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी माय यूनिट,
व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अब क्या बोलोगे सर, आपने कहा था ये स्टोर करता है क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी स्टोर कर रहा है तो इसकी होनी चाहिए जूल। हाँ पर कैपेसिटेंस जूल है नहीं है सर। अच्छा चलिए एनर्जी स्टोर कर रहा था इसलिए जूल। आपने अभी लिखाया टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, हाँ डेफिनेशन से मालूम क्या पड़ रहा है स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसका यूनिट होना चाहिए क्या कूलम। हाँ ऐसा है क्या जूल और कूलम होते हैं, नहीं सर। कैपेसिटेंस क्या होता है फॉर्मूला देखिए चार्ज बाय पोटेंशियल। यूनिट निकालने के लिए आपको पहले उसके फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, क्या होता है चार्ज का होता है कूलम, पोटेंशियल का होता है वोल्ट, एंड चार्ज बाय वोल्ट कूलम बाय वोल्ट इज कॉल्ड फैराड, दिस इज कॉल्ड फैराड या आप उसको एफ भी बोल सकते हैं। दिस इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इतने फर्स्ट वीडियो में इतना ही रखता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम जा रहे हैं ड्राइव करने के लिए फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस, राइट। तो स्टे ट्यून टू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चों, फॉर मोर वीडियोस ऑन कैपेसिटेंस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फिजिक्स वेव टू गेट मोर इंटरेस्टिंग नॉलेज अबाउट कैपेसिटेंस। थैंक यू।